स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जाकिर हुसैन की लिखी हुई कहानी चांदनी। अब्बू खान केप्ट गोट्स एज पेट। अब्बू खान नाम का एक व्यक्ति है जो कि बकरियां पालता है अपने लिए। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। वो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था लेकिन बकरियां वन बाय वन अब्बू खान को छोड़ के चली गईं। तो अब्बू खान ने एक छोटी सी प्रेटी सी गोट लिया और उसका नाम रखा चांदनी। तो एक समय की बात है, एक आदमी रहता था अल्मोड़ा में, नाम था उसका अब्बू खान। वो अकेला ही रहता था तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने बकरियों को पाला था। बकरियों को अपनी आजादी पसंद थी। वन बाय वन वे बकरियां पहाड़ी पे गई घूमने और वहां पे भेड़िये ने उन्हें खा लिया। हालांकि अब्बू खान ने बकरियों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वे बकरियां स्ट्रगल करती हैं, हार्डशिप करती हैं और अब्बू खान की बात को नहीं मानती हैं। तो वन डे व्हेन ऑल द गोट्स हैड लेफ्ट हिम, अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गोट्स इन माय हाउस एवर अगेन। आई मे एट लीव फॉर ए few more years but I have, I will live without goats. अबू खान को बहुत बुरा लगता है कि सारी बकरियां चली गईं, उनको इतनी आजादी पसंद थी, मेरा साथ किसी बकरी ने नहीं दिया और आगे से मैं कोई बकरी नहीं पालूंगा। लेकिन अबू खान अपनी जुबान पे नहीं रह पाए और जल्दी ही अबू खान ने एक प्रेटी सी गोट को खरीद लिया। She was white as snow, वो इतनी सफेद थी जैसे बर्फ। उसके दो छोटे छोटे हॉर्न थे, दो छोटे छोटे हैंड थे एंड ए पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज थी चमकती हुई। उसका टेम्परामेंट फ्रेंडली था, यानी फ्रेंडली थी वो गोट। अबू खान टेल्स विथ ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। अबू खान जो कहानियां सुनाते थे चांदनी उसको बहुत ध्यान से सुनती थी, यानी अबू खान ने उसका नाम चांदनी रख दिया, चांदनी यानी मून लाइट। ही लव चांदनी एंड वुड नैरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। वो चांदनी को बताते रहते थे, देखो और पहले मैंने बकरियों को पाला था लेकिन उन सब ने मेरी बात नहीं मानी, पहाड़ी पे गई और उस भूखे भेड़िए ने उन्हें खा लिया, तुम ऐसा मत करना। तो प्रत्येक सुबह चांदनी हिल टॉप को देखती थी, सनलाइट से नहाया हुआ, उसे बहुत अच्छा लगता था हिल को देखना। उसने सोचा कितनी ताजी हवा है अक्रॉस द ग्रीन फील्ड्स। सी रैन टुवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्लिप विथ ए जर्क द रोप राउंड हर नेक, वुडंट लेट हर टू गो फर्दर। वो जाना चाहती थी लेकिन उसके गले के चारों तरफ रस्सी बंधी हुई थी, वो कैसे उस रस्सी से पीछा छुड़ाए और उस पहाड़ी पर जाकर आनंद ले। तो उसने खाना छोड़ दिया। अबू खान ब्रॉट फॉर हर, जो भी अबू खान खाना लाते थे ग्रीन ग्रास, वो खाने से इनकार कर देती थी। नॉर सी लिसन टू हिज स्टोरीज विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अबू खान जो कहानी सुना रहे थे उसको भी अब इसने सुनने से इनकार कर दिया। भूख उसकी मर गई, बहुत दुबली पतली हो गई और मूडी हो गई। हिल टॉप पे जाना चाहती थी, सनलाइट में देखना चाहती थी, नहाना चाहती थी सनलाइट में। अबू खान समझ नहीं पा रहे थे कि चांदनी को हो क्या गया है। लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चांदनी से बात करूंगा। चांदनी ने कहा, डियर अबू खान, मुझे हिल पे जाने दीजिए प्लीज। अगर मैं आपके कंपाउंड में रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अब अबू खान को पता चल गया कि चांदनी को प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अबू खान इसे सुन के बहुत अनहैप्पी हुए, दुखित हुए। द अर्दन पॉट विच कंटेंड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू ए थाउजेंड पीसेस। वो जो मिट्टी का बर्तन था जिसमें चांदनी के लिए खाना लाते थे, अबू खान के हाथ से फिसल गया और कई टुकड़ों में बिखर गया। चांदनी बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थी।
बब्बू खान ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो चांदनी? चांदनी ने कहा हाँ मैं जो है हिल्स पे जाना चाहती हूँ। बब्बू खान ने कहा क्या तुमको यहाँ पे फूड नहीं मिलता है? यहाँ का फूड तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें और अच्छा फूड दूंगा और थोड़ी तुम्हारी रस्सी और मैं बड़ी कर दूंगा। चांदनी कही नो थैंक यू मुझे तो जाना है हिल पे। तो अब्बू खान ने कहा तुमको मालूम है वहाँ पे जाने में कितनी प्रॉब्लम है? वहाँ पे एक भेड़िया रहता है खतरनाक भेड़िया तुम्हें मार सकता है। चांदनी ने कहा कि भगवान ने मुझे एक हॉर्न दिया है वन पेयर हॉर्न दिया है मैं उनसे लड़ूंगी। अब्बू खान ने कहा कि क्या तुम मेरी जो और सिस्टर थी उन्होंने भी ऐसा ही कहा था लेकिन उसका अंत क्या हुआ मालूम है तुम्हें? चांदनी ने कहा कि देखा जाएगा मैं तो जाऊंगी। अब्बू खान इससे बहुत नाराज हुए वो बहुत तेज गुस्सा कर बोले यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर तुम कहीं नहीं जाओगी फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन स्मॉल हट अब तुम छोटे झोपड़ी में रहोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर मैंने तुम्हारा इतना किया और तुम मेरे लिए अनग्रेटफुल हो यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ तुमको वुल्फ से बचाना मेरा कर्तव्य है। अबू खान ने चांदनी को छोटे से झोपड़ी में बंद कर दिया लेकिन वो विंडो का दरवाजा बंद करना भूल गए। रात्रि में चांदनी उसी विंडो के दरवाजे से बाहर भाग गई आजाद हो गई। चांदनी रीच द हिल्स चांदनी हिल्स पे पहुंची वहां पे पहुंचकर उसे बहुत अच्छा लगा उसे लगा सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर इयर्स ऑफ सेपरेशन जैसे कोई बच्चा भूला भूल गया है और कई सालों के बाद अपने माता पिता से मिल रहा है। तो इस तरह से वो बहुत घंटों तक वहाँ पे खेली कूदी कुछ वाइल्ड गोट्स भी आए जंगली बकरियाँ आईं उन्होंने उसे कहा चांदनी तुम हमारे साथ चलोगी हमारे ग्रुप में रहोगी? चांदनी ने कहा नहीं मैं तो अकेले रहूँगी मुझे अकेलेपन से ही प्यार है मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। यानी दिन भर उसे बहुत मजा आया। धीरे धीरे रात शाम होने लगी। जब धीरे धीरे शाम हुई तो कुछ आवाज़ आने लगी। जल्द ही चांदनी समझ गई कि भेड़िया बस सब आने ही वाला है और भेड़िया आ गया। चांदनी और सामने भेड़िया दोनों एक दूसरे को देखते रहे दोनों एक दूसरे को देखकर अनुमान लगाने लगे दोनों एक दूसरे के शरीर को देखकर साइज देखने लगे और अनुमान लगाने लगे कि यदि मैं इसे लड़ूंगा या लड़ूंगी तो मेरा क्या अंजाम होगा। चांदनी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार भेड़िया उसे खाने के लिए तैयार। रात भर फाइट चली। सुबह जब सूरज की रोशनी निकली तो चांदनी खून से नहाई हुई मिली और भेड़िया थका हुआ और निद्रा में मिला। लेकिन जल्दी ही भेड़िया रेडी हो गया उस चांदनी गोट्स को खाने के लिए। आसपास के जो पक्षी थे वो सोच रहे थे कि इस फाइट में क्या हुआ कौन विनर था। तो कई बर्ड्स ने कहा कि भाई भेड़िया जीत गया भेड़िया ने उसे मार दिया चांदनी को तो भेड़िया जीत गया। लेकिन जो ओल्ड बर्ड था जो बुजुर्ग बर्ड था उसने कहा नहीं चांदनी इज द विनर चांदनी जीती है वो भेड़िया नहीं जीता बल्कि चांदनी जीती है क्योंकि चांदनी वीक होने के बावजूद उसने डेयर किया साहस किया उसको अपनी आज़ादी पसंद थी। तो बच्चों आज़ादी हमें भी पसंद है आज़ादी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं ये इस पार्ट का मेन टीचिंग्स है लेसन है। बच्चों आप लोगों को भी इस तरह से भविष्य में मौके आएंगे आपको लड़ाई से भागना नहीं है बल्कि उस लड़ाई का सामना करना है। तो आपने देखा जाकिर हुसैन की कहानी चांदनी। इस चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे इसके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे और क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी
इस लेसन को समझें और उन्हें इसका लाभ उठाने में सहायता मिले।